लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू लार्ज असेंबली, मतलब बहुत ही भड़काऊ और आक्रामक स्पीच जो कि बड़ी सी सभा को दी जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि जो पहले के राजा लोग होते थे वो युद्ध में जाने से पहले अपने सोल्जर्स को ऐसी स्पीच देते थे ताकि उनके अंदर इंथुजियाज्म आ जाए, जोश आ जाए। ऐसी स्पीच होती है हरेंग, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, मतलब किसी को परेशानी में डालना और उसे अनॉइंग फील कराना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है हरेस। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है परेशान करना, जैसे कि वर्क में बहुत सी लेडीज को हरेस किया जाता है। समबडी दैट फॉरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज जो कि दूसरी चीज आने का संकेत देती है, जैसे कि बादल होने से पता चलता है कि बारिश होगी, तो ये होता है हार्बिंजर, यह नाउन, इसका मतलब होता है संदेश वाहक, जैसे कि जो बादल होना है यह बारिश होने का हार्बिंजर है। इसके सिनोनिम्स में है प्रिल्यूड, प्रिसेज एक्सेट्रा। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं, समुद्र का तट जहाँ पे शिप्स आकर खड़ी होती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है हार्बर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बंदरगाह। जहाँ पे बस खड़ी होती है उसे बस स्टॉप बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं वहाँ पे हार्बर बोलते हैं, और जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं ये पहले बता चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आप लोगों को याद रह सके। अक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, एकदम एंजाइटी फील होती है जिससे, वो होता है हैरोइंग, या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खौफनाक। एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है शार्प, तीव्र, बहुत ही विकट, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होता है वो होता है हैरोइंग। इरिटेटिंग इनकन्विंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो इरिटेटिंग होता है, जो इरिटेट करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, अगर हम लोग कोई वर्क बार बार करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो वह होता है हसल, ये वर्ब, इसका मतलब होता है परेशान करना। जैसे कि लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो कोई कोई हसल करते हैं, जैसे कि कॉलेज के जो सीनियर होते हैं वो हसल करते हैं। और इसके सिनोनिम्स होते हैं बॉदर करना, एनोयंस, अग्रिवेशन एक्सेट्रा। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्विंसिंग द कैफिन एट अ फ्यूनरल, एक ऐसा व्हीकल जो कि डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड तक ले जाता है, मतलब कि शमशान तक ले जाता है, वो व्हीकल होता है वो कहलाता है हियर्स, या नाउन, इसका मतलब होता है शवयान। मेकिंग वन फील वेरी सैड, ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड फील कराती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा सैडनेस आता है, वह होती है हर्ट रेंचिंग, या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुखी करने वाला, जैसे कि हर्ट रेंचिंग सॉन्ग जो है वो अरिजीत सिंह के होते हैं, और हर्ट रेंचिंग न्यूज थी पुलवामा अटैक। इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिराइविंग आर अग्रेसिव कमेंट, मतलब किसी भी पब्लिक स्पीकर को स्पीच के टाइम अग्रेसिव कमेंट देकर रोकना, उसे बोलने ना देना, उसे स्पीच ना देने देना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होता है हैकल, या वर्ब, इसका मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना, जैसे कि राहुल गांधी को बहुत बार हैकल किया जाता है ताकि वो अपनी स्पीच ना दे पाए। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ऐसे लोग जो कि लाइफ को इंजॉय करना पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ का मेन मकसद बस और बस लाइफ इंजॉय करना होता है, ऐसे लोग होते हैं हिडोनिस्ट, या नाउन, इसका मतलब होता है सुखवादी। जैसे कि हिडोनिस्ट इज ऑलवेज ड्रिंक लाइफ टू लीज, इसमें एक फ्रेज है ड्रिंक लाइफ टू लीज, तो इसका मतलब होता है लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करना। पे अटेंशन मतलब सावधानी से कार्य करना, वह होता है हीड, ये वर्ब, इसका मतलब होता है सावधान रहना। प्रेफरिंग आर अट्रैक्टेड टू सनलाइट, ऐसे पर्सन जिनको सनलाइट पसंद होती है उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होते हैं हेलियोफिलस, या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सूर्याभिमुख। अच्छा, इसमें दो रूट हैं, एक है हीलियो एक है फिल, तो हीलियो मतलब होता है सन, मतलब जहाँ भी हीलियो आएगा वो सन से रिलेटेड होगा, और जहाँ भी फेल आएगा उससे मतलब होता है लव, मतलब जहाँ भी फेल आएगा उसका मतलब होगा लव, एज फिलान्थ्रोपिस्ट, फिलोजिनिस्ट एक्सेट्रा। इसके और भी वर्ड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट, मतलब कि सनलाइट को थेरेपी के तरीके यूज करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है बहुत से योग किए जाते हैं ताकि डिसीज सही हो सके, वह होता है हेलियोथेरेपी, या नाउन, इसका मतलब होता है सूर्य चिकित्सा। अ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, बहुत ही सिस्टम से जो सूखी पत्तियों का कलेक्शन बनाया जाता है अरेंज करके, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वह होता है हर्बेरियम, या नाउन, इसका मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। एनिमल आर पर्सन दैट फेड्स ऑन प्लांट, मतलब
ऐसे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग जो कि पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे होते हैं हर्बीवोरस। ये नाउन, इसका मतलब होता है शाकाहारी। अ ग्रुप ऑफ कैटल, ये क्या होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।